आरक्षण एक बड़ा मुद्दा लगातार बनता दिखाई दे रहा है और ये सीधे नौकरियों से जुड़ा हुआ है। मोदी राज में आरक्षण खत्म करने की सबसे बड़ी साजिश की शुरुआत हो गई है। जी हाँ, यूपीएससी ने भारत सरकार में संयुक्त सचिव, उप सचिव और डायरेक्टर स्तर के 45 अधिकारी लेटरल एंट्री के जरिए मांगे हैं। यानी ये अधिकारी नियमित भर्ती से चयनित नहीं होंगे, इन्हें डायरेक्ट इंटरव्यू लेकर अनुभव के आधार पर भर्ती किया जाएगा, जिसमें आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं होगी। अगर यूपीएससी नियमित आईएएस की भर्ती के जरिए इन पदों पर भर्ती करती तो आरक्षण की व्यवस्था के अनुसार 45 पदों में से 22 से 23 अभ्यर्थी एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग से होते। लेकिन दलित और ओबीसी विरोधी सोच से ग्रसित मोदी सरकार ने लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती निकालकर दलितों और पिछड़ों के अधिकार पर डाका डाला। यही है आरक्षण खत्म करने की मोदी सरकार की शातिराना योजना, जिसके जरिए ये भाजपाई देश की जनता का हक छीनना चाहते हैं। ये लोग आरक्षण खत्म करके देश के संविधान पर हमला कर रहे हैं।